हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटोराइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होंडा इंडिया के अंदर फेल कैसे होगा। तो गाइस वीडियो में बने रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, होंडा इंडिया के अंदर फेल होगा ऐसा मतलब नहीं कि पूरे के पूरे सेगमेंट में। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक हायर सेगमेंट की, जैसे कि 200 सीसी कैटेगरी के ऊपर की सेगमेंट हो गई, उसके ऊपर होंडा एक्सेल ही नहीं करता ज़्यादा, उसके बाइक्स बिकते नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो बाइक्स आते हैं, यामाहा हो गया या फिर यामाहा भी नहीं और अपने आते हैं ना ये, जैसे कि KTM हो गई और जो कावासाकी सीरीज़ हो गई, ये सब कंपनी इंडिया के अंदर अच्छी खासी बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं हायर सीसी कैपेसिटी बाइक्स बेचकर। लेकिन होंडा जो कि टू व्हीलर मार्केट जो होती है इंडिया की या फिर पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा मैन्युफैक्चर करता है और बेस्ट मैन्युफैक्चरर माना जाता है होंडा को, वो कंपनी इंडिया के अंदर उतना ज़्यादा अपना हाथ जमा नहीं पा रही है। क्यों नहीं जमा पा रही आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन होंडा के बेसिक बाइक से। यहाँ पर आपको एक्टिवा मिलती है, अब नई शाइन 100 भी आ गई। शाइन 100 आपको 100 सीसी के हिसाब से दे दिया, फीचर्स कुछ नहीं है वो मानता हूँ मैं, और उसके अलावा एक्टिवा ही बेचकर वो ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, पूरा अपना ज़िंदगी नहीं उनकी पीढ़ी पीढ़ी चलने वाली है, पूरा होंडा फैमिली ऐसे ही चलने वाली है एक्टिवा को बेचकर। और 125 सीसी की शाइन हो गई, SP हो गई, अच्छे बिकते हैं। फिर 160 सीसी कैटेगरी में फ्लॉप और हिट बाइक दोनों एक साथ हैं, एक है यूनिकॉर्न सुपर हिट बाइक है और वहीं पर X-Blade को देखेंगे एक सुपर फ्लॉप बाइक है, बिकती है 1000 यूनिट के अंदर बिकती है, कई कई बार तो ऐसा होता है कि 100 यूनिट से भी कम बिकते हैं एक एक महीने के अंदर। मैं एक बात बोलूँगा, होंडा अपनी बाइक को अप टू डेट रखने की कोशिश ही नहीं करता ज़्यादा, अप टू डेट करने के लिए वो सिर्फ एक ही चीज़ अपनाता है, वो है कलर या फिर स्टिकर के अपग्रेड्स। डिज़ाइन में जल्दी फेसलिफ्ट देता नहीं है बाइक के अंदर। और रही बात X-Blade की, तो X-Blade उतना बिकती नहीं है क्योंकि एक तो फीचर नहीं है, इंजन में पावर उतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी FZ से तो ज़्यादा है लेकिन फीचर्स की कमी है। लुक अच्छा है मानता हूँ, लुक अच्छा है, मेरे को भी पसंद आती है X-Blade। और बात करें उसके ऊपर के कैटेगरी की, तो Hornet 2.0 अच्छी खासी बिक जाती है, मतलब ठीक ठाक ही बिकती है, उतनी ज़्यादा ही नहीं। MT को देख लेंगे, MT 15 जो आती है यामाहा, 150 सीसी कैटेगरी में 1-1 लाख रुपए महंगे बेचता है बाइक, मतलब दूसरे जो बाइक आते हैं 150 सीसी कैटेगरी के, अगर अपन यूनिकॉर्न को देखें, यामाहा का इंजन बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में, लेकिन 2,40,000 में वो R15M बेच रहा है आज की डेट में इंडिया के अंदर, इंडियन मार्केट में। और सबसे पहले अपग्रेड करने की कोशिश यामाहा करता है इंडियन ब्रांड्स को, मतलब इंडियन जो मार्केट है यामाहा की वजह से एक तो अपग्रेड क्यों रहती है मालूम, फीचर्स पहले प्रोवाइड कर देता है। और अब उसके R3 भी आने वाली है, MT-03 भी आने वाली है, MT-07 भी आने वाली है, MT-09 आने वाली है और R7 आने वाली है, R1M आने वाली है, R1 आने वाली है, तो कुछ ऐसे हायर सीसी कैपेसिटी के बाइक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यामाहा भी नया लॉन्च करने वाला है बाइक, लेकिन होंडा कहाँ पर फेल हो रहा है CBR सीरीज़ को लेकर। CBR 150R 2012 से लेकर 13 तक आई थी बाइक ये, और डिसकंटिन्यू 2017 में हो गई क्योंकि BS4 नॉर्म्स आए थे, चलो वो कंटिन्यू कर दिए, मतलब डिसकंटिन्यू कर दिए उसको। 250R को भी सेम किया, क्या क्या मालूम है, 2011 में लॉन्च की और बाइक ठीक ठाक बिक रही थी क्योंकि सेगमेंट के हिसाब से, मतलब परफॉर्मेंस मैं कहूँगा 250R बहुत अच्छी बाइक है। और आज तक जितने भी 250 सीसी कैटेगरी में बाइक्स आते हैं इंडियन ब्रांड या फिर इंडियन मार्केट के अंदर, सबसे अच्छी बाइक 250R है होंडा की, लेकिन आज तक उसको कुछ अपग्रेड नहीं मिला मेजर, स्टिकर्स के बदलाव किए गए बाकी कुछ नहीं हुआ, तो वो सब बेकार लगा। इंडियन में, इंडियन मार्केट के अंदर जमे रहने के लिए अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होंडा को। एक तो अगर अपन CBR 150R को R15 से कंपेयर करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। R15 परफॉर्मेंस अच्छी देती है, लुक तो नो डाउट 300 सीसी कैटेगरी तक R15M जैसा लुक किसी बाइक का अच्छा नहीं देखने को मिलता आपको। और रही बात अपने होंडा की, तो CBR 150R डिसकंटिन्यू, बाहर की बाइक जो इंडोनेशियन मार्केट में आती है, ग्लोबल मार्केट में आने वाली बाइक तक यहाँ पर लॉन्च नहीं करते रीब्रांड बना कर या फिर इंपोर्ट करके, तो होंडा थोड़ी भी मेहनत नहीं करता यहाँ पर। फिर 2017 में आ गई थी DBR 250RR ग्लोबल मार्केट में, इंडिया में नहीं आई, इंडिया में कचरा बेचते हैं ये, क्या बोलूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है होंडा को लेकर, अपडेट्स ही नहीं देता जल्दी वो। 250RR बाहर बहुत अच्छी आ गई ग्लोबल मार्केट के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर खटारा वही 250R बिक रही थी, इंजन को छोड़कर कुछ अच्छा नहीं था बाइक के अंदर। अब क्या बोलूँ मैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग अब तक भी वेट करते हैं कि 250RR आ जाएगी,
अब तक कोई नामो निशान नहीं है, वो CB300R लॉन्च कर रहे हैं और एकदम लेजेंडरी बाइक जो कि 24 PS के बाहर निकाल के देती है अपनी CB300F, उस बाइक को लॉन्च किया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हॉर्नेट 300 लग रही है वो, ये बेकार प्रोडक्ट। फिर इसके अलावा आप 600cc कैटेगरी में जाएंगे तो इंडियन मार्केट को स्पेसिफिक रखते हुए यहाँ पर CBR650R लॉन्च की जिसकी पावर 90 PS से ज़्यादा नहीं है, और बाहर की मार्केट में क्या है आपको पता है, CBR600RR जिसकी पावर जो है 120 PS तक जाती है। 120 PS और 85 PS में आपको फ़र्क बता दूँ 35 PS का होता है। तो इंडियन मार्केट को इतना ज़्यादा मतलब उतना ध्यान में रखता ही नहीं है होंडा, अपर जो हायर सीसी कैटेगरी के बाइक्स होते हैं उनके हिसाब से तो रखता ही नहीं है। और यहाँ पर CBR 1000 RRR तीन नंबर RRR है वो बाइक आती है 38 लाख की थी, 10 लाख डिस्काउंट करना पड़ा क्योंकि BMW के सेल्स उसके ऊपर चल रहे थे, सस्ती भी थी उसके कंपैरिजन में, अब 10 लाख सस्ती हो गई, 27 लाख तक आपको मिल जाती है CBR 1000 RRR RRR। तो ये बाइक अच्छी है भी क्यों नहीं है आपको बता दूँ, एक तो लुक अच्छा नहीं है, दूसरा ओवर प्राइस आपने पहले ही रख दिया इसलिए मार्केट में नाम भी नहीं बना पाई और BMW से कंपटीशन भी कर नहीं पाई, तो BMW यहाँ पर निकल गया। और 600cc कैटेगरी में, 400cc कैटेगरी में CBR नाम का कोई चीज़ नहीं है, 650R है, 650F है जो कि काम की नहीं है बाइक, मेरे को तो पसंद नहीं है। और 85 PS पावर कम होती है 600cc कैटेगरी के हिसाब से। और यामाहा भी R7 लॉन्च कर रहा है R6 को छोड़कर, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगा। और यहाँ पर होंडा मेरे हिसाब से फेल पड़ जाता है क्योंकि अपर सीसी कैटेगरी के जो बाइक्स हैं उनको भी देखो यार, इंडियन टू व्हीलर मार्केट जो है अच्छी खासी बढ़ रही है और सुपर बाइक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं सुपर बाइक्स इंडिया के अंदर। तो उस हिसाब से होंडा को भी सोचना चाहिए कि एक CBR 150R आ जाए, CBR 250RR आ जाए और CBR की जो है 300 भी आ सकती है मतलब लाना चाहिए यहाँ पर। और उसी के साथ CBR के जो 400 है, 500 है, 600 है, इसमें से कुछ ना कुछ बाइक लॉन्च करना चाहिए और इनलाइन 4 बाइक्स लॉन्च करना चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इनलाइन 4 इंजन के बहुत ज़्यादा फैंस हैं। मैं भी पर्सनली इनलाइन 4 बाइक्स का बहुत ज़्यादा फैंस हूँ, V4 इंजन मेरे को पसंद नहीं आती क्योंकि साउंड बहुत बेकार करते हैं, डक 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 वो साउंड नहीं पसंद आता, वूम वूम ऐसा साउंड रहेगा तो बाइक बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन होंडा को कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं करना, जो चीज़ बहुत आसान से पड़ती है, जो काम बहुत आसान होता है वही करना है। एक्टिवा लाना है, एक्टिवा के अंदर एक एच स्मार्ट फीचर दे देना है और कुछ नहीं करना, दूसरा कुछ करेगा नहीं होंडा, और ऐसी बाइक चलाएगा जिसके अंदर फीचर्स नहीं आते, मतलब जो बाइक ज़्यादा फीचर्स के साथ नहीं आती उसको खर्चा कम गिरे और मार्जिन ज़्यादा पड़े वही वो टू व्हीलर को बेचता है इंडियन मार्केट के अंदर। इंडिया के मार्केट के अंदर होंडा को कुछ ना कुछ करना चाहिए अपर सीसी मतलब अपर 300cc कैटेगरी के अंदर या फिर 200cc कैटेगरी के अंदर CBR सीरीज़ आना चाहिए। आपके हिसाब से CBR आना चाहिए या नहीं? और मेरे हिसाब से होंडा फेल है सुपर बाइक्स को लेकर, और 200cc क्या 150cc के ऊपर जितने भी बाइक आते हैं उनमें भी होंडा फेल लगता है मेरे को। सिर्फ यूनिकॉर्न अच्छी है, बाकी दूसरे बाइक्स उतने खास नहीं है। परफॉर्मेंस भी परफॉर्मेंस मैं इंजन को लेकर या फिर स्पेसिफिक मॉडल को लेकर ख़राब नहीं कर रहा, लेकिन सेल्स नहीं हो रहे जैसे यामाहा बेचता है इंडियन मार्केट के अंदर, वैसे ही बेच के बताना चाहिए होंडा को। और मेरे पास खुद यूनिकॉर्न है, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ बाइक को, लेकिन CBR ये सब बाइक्स को जब मैं ग्लोबल मार्केट के अंदर देखता हूँ तो मेरे को अंदर से बुरा बहुत ज़्यादा लगता है कि होंडा अच्छी बाइक्स बाहर लॉन्च कर रहा है और इंडिया के अंदर पैसे लूट रहा है सिर्फ सस्ते, और जो बाइक्स होते हैं फीचर्स के बिना, जो बिना फीचर्स वाले बाइक्स आते हैं वैसे बाइक्स बेचकर सिर्फ मार्जिन ज़्यादा कमा रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। और गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा फेल क्यों है इंडिया के अंदर ये सब बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइज बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइज़।